अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे पास है क्वेश्चन 3481 का। हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 3481 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर 2 की टेबल भी नहीं लग रही, 3 की भी टेबल नहीं लग रही, ठीक है। और ये 3481 3481 है, ठीक है। हमें कुछ कोई नंबर सोचना पड़ेगा। देखें, अगर हम दूसरे तरीके यूज़ कर रहे हैं ना, कॉमन सेंस वाले, देखो 10 टाइम 10 क्या होता है हमारा, 10 टाइम 10 इज़ 100, 20 टाइम 20 इज़ 2 टाइम 2 इज़ 4, तो ये 400, 30 टाइम 30 इज़ 3 टाइम 3 इज़ 9, तो ये 900, 4 टाइम 4 इज़ 16, तो ये 1600, 5 टाइम 5 इज़ 25, तो ये 2500, और 6 टाइम 6 इज 3600। तो ये जो थे, जो 10 है 10 है, 20 है 30 है, 40 है 50 है 60 है, इसके हिसाब से मैंने आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर्स इसलिए समझाए हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा 20 आएगा 30 आएगा 40 आएगा 50 आएगा और ये आ जाएगा 60। अगर हम 70 टाइम 70 करें, 7 टाइम 7 इज 49, तो ये 4900 हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 70 60 50 40 30 20 और ये 10 आएगा। तो इससे आप गेस लगा सकते हैं कि हमारा ये जो सवाल है किसके बीच में, किसके बीच में, क्योंकि इस पर 2 की टेबल भी नहीं लगेगी, 3 की भी नहीं लगेगी, कोई भी टेबल नहीं लगेगी, क्योंकि ये ऐसा है, मल्टीपल, एक प्राइम नंबर का मल्टीपल है, प्राइम नंबर भी हमारा जो बड़ा प्राइम नंबर है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कहानी किसके बीच में, 60 इंटू 60, 50 इंटू 50 के बीच में है, या 60 इंटू 60 एंड 70 इंटू 70 के बीच में। हमारा है 3600 और 2500, इन दोनों के बीच में हमारा ये सवाल है। तो 50 और 60 के दरमियान कौन से प्राइम नंबर हैं, आपको उन पर गेस लगाना है। 50 और 60 के दरमियान कौन से प्राइम नंबर हैं, 51 नहीं है, 53 प्राइम नंबर है, और 59 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर हैं बस। आपको इन दोनों को चेक करना है कि इस पर कौन सी टेबल लगेगी। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। तो देखें हमारे लास्ट में क्या है, 1 है यहाँ पर, तो 3 टाइम 3 करेंगे, 53 को 53 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 3 टाइम 3 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से 59 को 59 से जब करेंगे, 9 टाइम 9 इज 81, तो 81 आ रहा है, तो 1 आ रहा है लास्ट में। मुमकिन है कि यही हो, तो हम ट्राई करेंगे। 9 टाइम 9 इज मुमकिन नहीं, ये कन्फर्म है कि यही होगा। 9 टाइम 9 इज 81, 1 इधर 8 ऊपर, 9 टाइम 5 इज 45, 45 और 8 53 मल्टीप्लाई, 5 टाइम 9 इज 45, 4 ऊपर, 5 टाइम 5 इज 25 और 4 29, ठीक है। 1 3 और 5 8, 5 और 9 हमारा हो गया 14, 1 ऊपर, तो ये 3481 आ गया। तो इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है, कोई टेबल 2 3 4 5 की नहीं लग रही है, ठीक है, तो हम गेस कर सकते हैं कि हमारा इन इन सब नंबर्स के बीच में कहाँ पर है। जहाँ पर हो फिर ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 59 टाइम 59 इज़ 3481 और 59 टाइम 1 इज़ 59, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, कोई टेबल नहीं लगेगी, तो इसका जो अंडर रूट आएगा 3481 का, वो आएगा 59। क्या आ जाएगा, 59। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही तो आप इसको एक दो बार सुन लें वीडियो को बैक करके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहने का मकसद यह है कि आपको तरीका आना चाहिए, अगर कोई बड़ा नंबर है उस पर कोई 2 3 4 5 की टेबल नहीं लग रही, तो क्या पता कौन सी टेबल लगेगी, ठीक है। 11 की टेबल है, 11 के लिए क्या करते हैं हम, 3481, अगर इस पर 11 की टेबल लगती ना, तो हम अल्टरनेट नंबर्स का सम करते, मतलब एक नंबर ये और एक नंबर ये बीच में छोड़ दिया, और ये इन दोनों का सम करते, 3 और 8 हो गया हमारा 12, 3 और 8 11, सॉरी 3 और 8 हमारा हो गया 11, इसमें से माइनस करना है 4 और 1 5, तो 11 में से 5 गया तो 6, 6 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 11, तो इस नंबर पे 11 की भी टेबल नहीं लगेगी, बाकी सब तो हैं। बहरहाल आप ये तरीका यूज़ करें,
ये एक तरीका था 11 की टेबल्स का चेक करने के लिए, मैंने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग।